बिल्कुल, ये घटना जो है 18 अगस्त 2024 की है। रात्रि करीब 10:30 बजे थाने को एक व्यक्ति जिसका नाम श्रवण कुमार है, जो रोसी गोछा थाने का ही रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 28 वर्ष है, वो पुलिस के वर्दी में जो सब इंस्पेक्टर डबल स्टार परिवेश में जो है अवैध वसूली कर रहा था वहाँ पे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि मुजफ्फरपुर में फर्जी दरोगा बनकर जो है वसूली करता था, जिसको पुलिस ने रंगे हाथ दबोच लिया। दरअसल पूरा मामला की बात करेंगे तो बोचा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर बोचा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर में जो है फर्जी दरोगा बनकर श्रवण कुमार जो है वसूली कर रहा था। रक्षाबंधन पर घर आया था क्योंकि वह बोचा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर का ही रहने वाला है, लेकिन अपने बहन से राखी बंधवाने के लिए रक्षाबंधन पर घर आया था, लेकिन सीतामढ़ी से वर्दी सिलवाकर जो है ये फर्जी दरोगा श्रवण कुमार जो है वो वसूली करने लगा, जिसको पुलिस को सूचना मिली, जिसका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया है। श्रवण कुमार के कंधे पर 2 स्टार थे क्योंकि दरोगा की फेस में जो है ये वसूली कर रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सरियार अख्तर ने क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। बिल्कुल, ये घटना जो है 18 अगस्त 2024 की है। रात्रि करीब 10:30 बजे थाने को सूचना प्राप्त हुई कि कोई व्यक्ति जो है सरफुद्दीन चौक के पास वाहन चेकिंग के नाम पे वसूली कर रहा है। थाने को सूचना प्राप्त हुई तो उस समय थाने की गश्ती वहाँ पे नहीं थी। इसके सत्यापन के लिए जो है वहाँ पे जब पहुँचा गया तो एक व्यक्ति जिसका नाम श्रवण कुमार है, जो रोसी गोछा थाने का ही रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 28 वर्ष है, वो पुलिस के वर्दी में जो सब इंस्पेक्टर डबल स्टार परिवेश में जो है अवैध वसूली कर रहा था वहाँ पे, उसको फिर वहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया और कल 19 तारीख को उसे जेल भेज दिया गया है। पहले पूछताछ मिस्टर नहीं, हाँ वो पहली बार जो है इस तरह का, वो यहाँ पे रहता नहीं था, वो ज़्यादातर मोतिहारी में रहता था और कुछ ही दिनों से यहाँ पे रह रहा था और इस तरह की पहली इस तरह की वारदात थी अवैध वसूली की। पहले इसी तरह कोई नाई का काम पहले करता था, हाँ नाई का काम करता था। वर्दी वगैरह कहाँ से लाया? वर्दी सीतामढ़ी से, उसने पूछताछ में बताया कि वर्दी सीतामढ़ी से किसी टेलर के यहाँ से लाया। क्यों वही कर रहा था इस संबंध में कुछ बताया? वही मतलब फायदा उठा के जो है आजकल तरह तरह के लोग जो है पदाधिकारी बन के, कुछ अधिकारी बन के जो है इस तरह का काम को अंजाम देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी पैसा कमाया जा सके। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे एडिशनल एसपी सरियार अख्तर। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बोचा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर में जो है पुलिस के भेष में जो है लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं और फर्जी वर्दी यानी कि फर्जी पुलिस बनकर ये वसूली कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस जो है छापेमारी टीम गठित करते हुए कार्रवाई की और श्रवण कुमार जो सरफुद्दीनपुर का ही रहने वाला है और मोतिहारी में रहता था, लेकिन रक्षाबंधन पर वो घर आया हुआ था और इसी दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।